मेरे पीछे आप देखिए एक बहुत ही बड़ी और एक सुंदर एक भव्य कावड़ मेरे पीछे यहाँ पे मौजूद है। और आपको लग रही होगी ये डाक कावड़ है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि डाक कावड़ जो चलती है वो वाहनों पे चलती है, वाहन पर होते हैं पहिए। तो आप पहिए से कंफ्यूज मत करिए, ये विशाल कावड़ है। ये पैदल में ही आती है या डाक में आती है? ये पैदल में ही आती है। इसको धक्का देने में मतलब ले जाने में आसानी रहती है, विशाल रहती है, विशाल में वो उठा नहीं पाते हैं इस मरीज को धकेलने में। पहिए है लेकिन जो इंजन है वो इंसान का ही काम करता है इसमें। तो हाँ जी 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 बड़ी कावड़। तो ये जो विशाल कावड़ आपकी है इसका वजन लगभग कितना होगा भैया? इसका वजन लगभग 80 किलो 90 किलो के करीब होगा। लगभग 80-90 किलो इसका वजन है। और ये देखिए आप, इसका जो पूरा खर्चा आता है भैया इस कावड़ का, इस साइज़ के कावड़ का? ये भैया सारी को सजावट उजावट करके लगभग नियर बाय 30 से 40 हज़ार तक का खर्चा आ चुका है। 40 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें लगभग आता है। देखिए दोस्तों, इसकी जो कीमत है वो लगभग 40 हज़ार, आधा लाख के आसपास है। और भैया जो ये आपका वाहन है एक तरह से, इसको क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इसका नाम रथ हैगा जी। हाँ जी, पहिए वाले? हाँ, पहिए वाले रथ है। चार पहिए का। जब आप इसको लेके जाते हो तो इसका कैसे ले जाते हो, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इसका हैंडल से इसको ड्राइव करना पड़ता है और पीछे से। हाँ जी, ये हैंडल भी है, जरा घुमा के दिखाना भैया कैसे घूमता है। ये स्टेयरिंग ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है, ये बहुत स्मूथ घूम रहा है दोस्तों। देखिए ये यहाँ पे इसका स्टेयरिंग है और इसको आगे से खींचना होता होगा। हाँ जी सर। कितने लोग आगे लगते हैं? दो लोग आगे लगते हैं जी, चार लोग पीछे लगते हैं। छह लोग? हाँ जी सर। इसके अंदर भी कोई बैठता है? नहीं जी, इसके अंदर किसी को नहीं बैठा दिया जाता है, ये सिर्फ गंगा जल इसमें रखा जाता है। टोटल कितने लोग आप? हम टोटल छः लोग हैंगे जी। छः लोग दोस्तों, छह लोग इस पे एक साथ से ले जाते हैं, दो लोग आगे से स्टेयरिंग संभालते हैं और फिर चार लोग पीछे धक्का मारते हैं। और ये बीच का आप स्पेस देखिए, यहाँ पे जल, सारा जल यही है? हाँ, टोटली यही जल होता है। जल होगा ये लगभग जी 20 लीटर जल होगा इसमें। जल मात्र 20 लीटर है, लेकिन इसका जो अपना वजन है वो 80-90 किलो के आसपास है। और आपने जो 40 हज़ार रुपये खर्चा बताया भैया इसमें, मोटा मोटा थोड़ा बताइए, जो मूर्ति है महाकाल की मूर्ति है, जो इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस लगभग 20 हज़ार के करीब है। 20 हज़ार इसका हो गया। और ये स्पेशली कावड़ के लिए बनाई गई है? ये स्पेशली कावड़ के लिए ही है, जैसे अपने पार्टी होती है, जैसे रथ वगैरह होते हैं सारे इसके काम में होती है। इस रथ की ये पहली कावड़ है या पहले भी की है? नहीं, इससे पहले भी करी है जी हमने। हाँ जी, इसका इसकी हमारी विशाल कावड़ है जी। इसकी लागत क्या आती है? इसकी लागत तो 40 से 50 हज़ार की होती है, लेकिन ये किराए की रथ है हमारी। आप लोगों ने किराए पे? हाँ जी। इसका रेंट कितना देना होता है? इसका रेंट जी 5100 रुपये रेंट है जी इसका, पूरी एक कावड़ यात्रा का। तो दोस्तों देखिए, ये इनका अपना नहीं है, इन्होंने रेंट किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।